स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर निकाली गई तिरंगा ट्रैक्टर शोभा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पलामू प्रमंडल प्रभारी श्री निवास शर्मा के नेतृत्व में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा चतरा जिले के हंटरगंज से निकाली गई, जो पांडेयपुरा तक पहुंची, जिसमें काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति गीतों से पूरा इलाका गूंजता रहा। सभा को संबोधित करते हुए श्री निवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान पर हर घर तिरंगा लगाने को लेकर यह रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश आम जनता तक पहुंचाया गया। इस दौरान श्री निवास ने कहा कि हर साल 5 गरीब असहाय परिवार की कन्याओं की शादी में अपने निजी खर्च से करेंगे। कहा कि आने वाले दिन अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और भी कन्याओं की शादी को अपने निजी खर्च से कराएंगे।
तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकालने का हमें सौभाग्य मिला है इन युवाओं के सहयोग और समर्थन और स्नेह और प्यार से। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा चलते हुए लगाते हुए हर गली गली मोहल्ले कस्बे में, चाहे वो सिटी वन टायर हो, टू हो, थ्री हो, गली हो, मोहल्ला हो, लोग निकले करें। और मोदी जी का एक ये आह्वान से ही अपार समर्थन से, युवाओं में जोश से आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा को बुलंद करते हुए आज ये यात्रा हमने हंटरगंज से भुक्ताडी, बलूरी, काशी के बाल होते हुए पांडेपुरा तक आए हैं। और बीच में सभी युवाओं के सौजन्य से, सब जो आप देख रहे हैं किसान भाई हमारे ट्रैक्टर से आए, एक छोटे से आह्वान पे 100-150 की संख्या में ट्रैक्टर से हजारों की संख्या में लोग आए हैं, बाइक से आए हैं। उनके सहयोग और उनके समर्थन और उनके स्नेह से वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया नर्सरी में। और उसे इसके बाद हमारा ये होगा कि बचाने के लिए उसकी बैरिकेडिंग भी करी जाए, उसकी कवरिंग भी करी जाए, पटाने की भी ये करा जाए। और ये यात्रा सिर्फ तिरंगा मात्र यात्रा नहीं था, ये एक संदेश था हमारे देश के जवानों के लिए जिन्होंने अपना घर परिवार से दूर होकर देश के लिए बलिदान दिया करा है। आज आप कल की घटना, परसों की घटना देखेंगे, गिरिडीह की एक जवान भी शहीद हुए। और तमाम यहाँ पर सिर्फ ना किसान भाई ना युवा, यहाँ जवान भी और किसान भी सभी लोग आए हैं कि ये एक देश के प्रति, ये कोई राजनीतिक संगठन के प्रति नहीं, ये एक देश के प्रति लोगों का प्रेम और स्नेह दिखाता है उनका, कि क्या झंडे के लिए, झंडा जो हमारा एक भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, टुकड़ा मात्र नहीं है, ये भारत एक महापुरुष है। और ये भारत का महापुरुष ये युवाओं का, क्योंकि भारत आज युवा देश है, आज यहाँ की आबादी 60% से ज्यादा युवाओं की है, इसलिए ये भारत युवा बोला जाता है। और आज देखिए कि इकोनॉमिक इंडेक्स में 10वें रैंक से 5वें रैंक पे आ गया। और हमें विश्वास ही है, आशा और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधान सेवक के नेतृत्व में ये भारत हमारा अमेरिका के पैरेलल बहुत सारे मुद्दों पे आ चुका है और उसे पछाड़ते हुए नंबर वन पे इकोनॉमिक इंडेक्स में भी जाने का काम करेगा। और इन्हीं युवाओं के बल पे आज इस माटी का लाल कहीं ना कहीं देश में ही नहीं विदेश में भी परचम लहरा रहे हैं, और ये लहराएंगे भी। और ये खुद अपनी जन समस्याओं को भी, अपनी एक एक भावनाओं को प्रकट करते हुए ये सब एक संकल्प लिए हैं कि हम सारी चीजों से खुद ब खुद लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे करेंगे। मालूम है ये एक शरीर मात्र है, और ये मुझे सचमुच मालूम है। मैं अगर अभी भी चार धाम के यात्रा से आया हूँ, अगर सकुशल लौटा हूँ तो सभी का स्नेह और आशीर्वाद और प्यार से लौटा हूँ। जो मंजर होती है पहाड़ियों की, जो रौद्र रूप होती है झरनों की, मैंने सामने से मौत देखा है, हमारे पीछे भी कई मौत हुई करी, जानते हुए भी पहाड़ में जाने की इच्छा हुई कि भीड़ रहती है सितंबर अक्टूबर में, अभी के टाइम में जाऊंगा तो भीड़ नहीं होगी। और मैंने रुद्राभिषेक से लेकर के महामृत्युंजय जाप से लेकर महादेव से मिला, सचमुच भगवान और ह्यूमैनिटी, इंसानियत जीवित है और जागृत है इस धरती पे। क्योंकि भारत एक, मैंने जैसा कि बताया, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, महापुरुष है, देवभूमि है, उत्तराखंड को भी देवभूमि बोलते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं यह स्मरण हुआ, यह शरीर जनता के प्रति समाज कल्याण में, सामाजिक कार्यों में लगे। और ये मुझे मार्गदर्शन हमारे पिता से भी, हमारे पिता तुल्य चाचा अभिभावक और समाज के लोगों से भी मिलता और मार्गदर्शन रहता था। मैंने हमेशा ये कार्य करते रहता था, महाकालेश्वरी के सेवा में भी लगा रहता हूँ, और जहां भी मौका मिले मैं कोशिश करता हूँ कि अपना सहयोग, अपना ये देता हूँ। और इसी के निमित्त आज मैंने देवी स्वरूप, हमारी माता स्वरूप, हमारी बहनें, जो मैंने देखता हूँ कस्बे में कुछ लोग होते हैं जो असहज होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सरकारी चक्कर में नहीं दौड़ पाते कर पाते हैं, और उनकी जिंदगियां सवर नहीं पाती है। और ये हमारी सामाजिक जो संरचना है, उस संरचना को बढ़ाते हुए पिरोते हुए मैं उन असहाय बच्चियों का सहयोग कर पांच बच्चियों का, बहनों का शादी करूंगा। हर वर्ष 5 बहनों से मैंने शुरुआत किया ये संकल्प लेते हुए। ऐसा आपके मीडिया बंधुओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर कोई आए तो मुझे अनुसरण, मेरे नॉलेज में दें, मैं उसको ये करते हुए 5
साथियों से ये शुरुआत किया हूं और आगे मुझे पता है इसी समाज के एक एक नौजवान जवान किसान से मुझे सहयोग मिलेगा और ये संख्या 500 तक जाएगी करेगी और उनको, और ये मेरी कोई अपनी व्यक्ति विशेष की कोई ये नहीं है, ये सब जनता के समर्थन से, सब लोगों के समर्थन से मैं ये काम को करने का संकल्प लिया हूं और मुझे विश्वास है कि ये पूरा होगा और उसी के साथ 5 से 50, 25 और 500 तक संख्या जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।